उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश इंद्रपाल गोली लगने से ढेर हो गया। इंद्रपाल पर सहारनपुर से 25,000 का इनाम घोषित था, जिसे एसटीएफ नोएडा और मुजफ्फरनगर की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ढेर कर दिया गया। दरअसल मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के जानसठ रोड का है, जहां पर एसटीएफ और मुजफ्फरनगर पुलिस को जंगल में बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि इंद्रपाल अपने अन्य 5 से 6 साथियों के साथ जंगल में मौजूद था, जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने नाकाबंदी कर जंगल को घेर लिया, जिसके बाद बदमाशों को पकड़ने का जब पुलिस ने प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायर कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश इंद्रपाल को गोली लगी, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जिसके अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से भारी संख्या में कारतूस के साथ 2 पिस्टल और 1 बंदूक बरामद की है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। मीरापुर के नगला खेपड़ गांव में एक मुठभेड़ हुई है दिन में, जिसमें एसटीएफ नोएडा लखनऊ की टीम को एक जानकारी मिली थी कि एक इनामी बदमाश है जो कि नगला खेपड़ में किसी की हत्या करने आ रहा है, और ये जो बदमाश जो भी है ये इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और इसने काफ़ी हत्याएं की हैं। वर्ष 2003 में मसूरी में इसने 4 हत्याएं की थी और इस पर आजीवन कारावास का भी आदेश हुआ पड़ा कोर्ट से। तो इसी दौरान में जब एसटीएफ की टीम ने उसकी सूचना पर वहां पर जाके चेक किया है तो उसने एसटीएफ की टीम के ऊपर फायर किया है, जिसमें रिटेलिएशन में एसटीएफ की टीम ने भी फायर किया है। लगातार काफ़ी फायरिंग हुई है, जिसके दौरान इसे गोली लगी थी और इसको फिर हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां पर इसको डेड कर दिया गया है। बाकी इसमें कार्रवाई चल रही है। इससे और जो साथी थे वो भाग गए हैं, और इससे 2 9mm के पिस्टल्स और एक इंग्लिश 12 बोर की बंदूक भी बरामद हुई है। इसमें 25,000 का इनाम था और काफ़ी मुकदमे हैं मर्डर के उत्तराखंड में, और वांछित ये ननोकता थाना सहारनपुर से वांछित भी चल रहा था।